नमस्कार, वीके न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। रुपया इन दिनों लगातार निचले स्तर पर पहुंचता जा रहा है। हम सभी ये बात बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर रुपया लुढ़केगा तो अर्थव्यवस्था का चरमराना तय है। लगातार तीसरे सत्र के दौरान भी रुपया कमजोर हुआ। वैश्विक स्तर पर मंदी की आशंका और लगातार अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी डॉलर इंडेक्स को मजबूत कर रहा है और रुपया उतनी ही तेजी से फिसल रहा है। रुपया के लगातार नीचे फिसलने से आपकी जेब पर क्या असर पड़ सकता है, ये आपको समझ आ ही रहा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से ये आपकी जेब पर असर डालेगा। ब्लूमबर्ग के अनुसार रुपया जो पहले 81.5675 पर था, वो सोमवार को कारोबार के दौरान 81.5225 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरकर 81.6612 पर आ गया। ये भी रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर है। गिरते रुपए से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। रुपए की वैल्यू गिरेगी तो आयात महंगा होगा, किसी भी सामान के इंपोर्ट पर लगने वाला शुल्क बढ़ जाएगा। अगर आप विदेशों में घूमने के शौकीन हैं तो आपको अपनी जेब और टाइट रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब वे रुपए को डॉलर में बदलने जाएंगे तो उन्हें ज्यादा रुपए देने होंगे, क्योंकि रुपए जितनी तेजी से लुढ़क रहा है डॉलर उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही विदेशों में पढ़ने वालों की फीस और वहां रहने का खर्चा भी बढ़ जाएगा। विदेश जाकर इलाज कराने वाले लोगों को भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। हम हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको डरा नहीं रहे, बल्कि उस हकीकत से रूबरू करा रहे हैं जो आपको आने वाले समय में देखना होगा। इस पर अर्थशास्त्री शरद कोहली कहते हैं कि वैसे तो आम आदमी के लिए इस महंगाई से बचना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर वे स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हद तक महंगे सामानों को खरीदने से बचा जा सकता है। हालांकि वे कहते हैं कि कई स्वदेशी सामान में इस्तेमाल हुआ कच्चा माल भी विदेशों से आता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था सुधार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।